खालसा डे परेड वैसाखी नगर कीर्तन में आपका स्वागत है। इस बार इस परेड की शुरुआत हुई सिटी टाउन हॉल टोरंटो से। इसकी शुरुआत हुई गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश से और उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ हुआ यहाँ पे। इससे पहले कोविड से पहले ये खालसा डे परेड सीएनई से ग्राउंड से चलती थी और एक परेड के रूप में सिटी हॉल में पहुँचती थी, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस बार ये सीधी सिटी टाउन हॉल से शुरू हुई है। इस परेड में पहले टोरंटो पुलिस, पील पुलिस, कैनेडियन आर्म फोर्सेस, ओंटारियो बाइकर्स क्लब और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से हिस्सा लेती थी और इस बार उन्होंने अपने सिर्फ स्टॉल्स लगाए हैं। इस बार इसमें इस साल कोविड से पहले इसमें लगभग 2 से 3 लाख के आसपास लोग हिस्सा लेते थे, लेकिन जैसा आप चारों तरफ देख सकते हैं अभी सुबह सुबह अभी शुरू हुई है तो इसमें रश या लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगी शाम तक। तो हम आपको सारा ये दिखाऊंगा मैं कैसे होता है, सारा दिन की अब्स्ट्रैक्ट निकाल के आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ से ये देखिए अभी लोगों ने आना शुरू कर दिया है, तो उतनी देर में हम यहाँ जब तक ये शुरू होता है तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। हम आ गए हैं यहाँ पे स्टॉल्स की तरफ। ये लगाया गया है ओंटारियो मोटरसाइकिल क्लब की तरफ से। तो यहाँ पे ये पगड़ी बांधते हैं, दस्तार सजाते हैं लोगों के सिर पे और लोग यहाँ आकर पगड़ी बंधवाते हैं। ये है गो ट्रांजिट, ये ओंटारियो की ट्रांजिट सिस्टम है जो पूरे जीटी एरिया में, टोरंटो के एरिया में रहता है। तो यहाँ पे ये भी अपने प्रमोशन के लिए आए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टॉल है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, सिख ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ये अपने अपने हिसाब से सपोर्ट करते हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों की फंडिंग से चलती हैं। तो इसके बाद ये स्टॉल जो नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है कैनेडियन आर्म फोर्सेस का। ये देख सकते हैं कैनेडियन आर्म फोर्सेस के जवान ये आई बार परेड में हिस्सा लेते हैं और इससे पहले अपने सशस्त्र सेना मतलब हथियारों के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपना स्टॉल लगाया और ये लोग जो भी आ रहे हैं उनके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं। तो ये इनकी आई बार की खूबी है। ये आप देख रहे हैं ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस ओपीपी का स्टॉल। यहाँ कनाडा में पुलिस सिस्टम दो तरह से काम करता है, एक स्टेट पुलिस होती है जिसे प्रोविंशियल पुलिस, और एक सिटी की पुलिस जो सिटी लिमिट्स में काम करती है, लेकिन ओपीपी अपने ऑपरेशंस जो पूरे प्रोविंस या स्टेट में, ओंटारियो पूरे स्टेट में ऑपरेट करती है ये ओपीपी। चलिए इसकी सबसे खासियत वाली जगह है फूड स्टॉल्स। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं। पहले ये सारे सिटी हॉल के एरिया में होते थे, लेकिन कोविड की वजह से ये वॉलंटियर्स हैं जो अपने हिसाब से लोगों को मैनेज करने का काम करते हैं। तो मैं बात कर रहा था फूड स्टॉल्स की, ये डिफरेंट टाइप्स के फूड स्टॉल्स हैं। फ्रूट है यहाँ पे, डोसा, चाय पकौड़ा और सारे जो भी भारतीय फूड हैं सारे होते हैं यहाँ पे। पीजे का लंगर भी होता है, तो आपको जो भी खाना पसंद है आप खा सकते हैं या देख सकते हैं। ये फिर फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो ये भी लोग अपने अपनी जो ग्रुप बने हुए हैं कुछ लोग इकट्ठे होकर इनको लगाते हैं और इन्हें एडवांस में परमिशन लेनी होती है इन स्टॉल्स को लगाने के लिए। तो आप बिना परमिशन के सिटी से परमिशन लेके आप ये फूड स्टॉल्स लगा सकते हैं। हम आप चलते हैं अंत तक। ये देखिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, कहीं पे कढ़ी चावल मिल रहे हैं, राजमा चावल, कहीं पे फ्रूट है, चिप्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, हर चीज़ का स्टॉल लगा होता है यहाँ पे। ये देखिए ये इधर आर्म फोर्सेस के जवान भी लाइन में लगे हुए हैं, ये ओंटारियो मोटरसाइकिल क्लब के मेंबर्स हैं जो
वो लगे हुए हैं, तो सभी अपने अपने हिसाब से लाइन में लेके लंगर या फूड लेते हैं और फिर साइड पे जाके आराम से उसको खाते हैं। ये वॉलंटियर्स हैं जो ये अपना बहुत बड़ा जो योगदान डालते हैं, ये आप सेवा कह लीजिए उस हिसाब से आते हैं, और ये लोगों को कंट्रोल करने का, लोगों को डायरेक्शंस देने का काम करते हैं, और ये इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है लोगों के साथ। ये नहीं कि ये रूड हों, या ये सभी के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं और लोगों को सही दिशा में जाने के लिए उनकी, ये लोग मदद के लिए होते हैं एक्चुअली यहाँ पे। ये देख सकते हैं पूरी स्ट्रीट ब्लॉक कर दी गई है और उस पर ये है सांबर इडली। इससे आगे भी वही फ्रूट और जूस के स्टॉल्स हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे हर तरह का खाना फूड मिलता है यहाँ पे नगर कीर्तन में इस विसाखी डे परेड पे, खालसा डे परेड पे हर तरह का फूड अवेलेबल रहता है। तो ये यहाँ तक था, इसके बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ से लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है, या ऐसा देख सकते हैं यहाँ से लेके लोग रोड साइड्स पे बैठ के इसको खा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा लोग भी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, थोड़ा उन्होंने भी कोविड के हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाई हुई है। अब हम इससे टाउन हॉल वाली इस साइड में चलते हैं, यहाँ से देखते हैं उस साइड में भी फूड के स्टॉल्स हैं। कोविड ये पहले सारे एक साइड में होते थे, लेकिन अब इन्होंने कोविड की वजह से ये दूसरे साइड आ गए हैं। कोविड की वजह से इन्होंने अलग अलग जगह लगाना शुरू कर दिया इनको, ताकि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यहाँ पे भी कॉटन कैंडी है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे झंडा लगा हुआ, पहले ये सारा जगह ओपन होती थी और लोग यहाँ पे भी चढ़ जाते थे, यहाँ से भी लोग देखते थे सारा नज़ारा। लेकिन कोविड की वजह से बहुत से एरिया बंद किए गए हैं और रश भी थोड़ा कम है। ये फिर आप देख सकते हैं जैसे चाय पकौड़ा जूस और ये कड़ी राइस के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो खाने की भरमार रहती है खालसा डे परेड पे, यहाँ पे गोरे काले सभी लोग खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोविड ने इस इवेंट को बहुत प्रभावित किया है। पहले तो ये हो 2 साल बाद रहा है, उसके बाद लोग भी थोड़ा थोड़ा इसको अवॉइड कर रहे हैं कि भीड़ में जाना शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसमें थोड़ा रश कम रहता है। लेकिन जब नॉर्मल टाइम्स होते थे तो इसमें 2 से 3 लाख लोग हिस्सा लेते थे। यही ये देखिए, अब मैं जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि रश थोड़ा कम था क्राउड, लेकिन अब ये देखिए चारों तरफ देखिए अब लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है। आज ठंड भी है थोड़ी, तो जैसे जैसे दिन खुल रहा है तो लोग आ रहे हैं और लोग आना शुरू हो गए हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए अभी जैसा मैंने बताया कि काफ़ी लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे, तो चारों तरफ भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ पे जो इस साइड में आप देख रहे हैं लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, यहाँ पे गतका का जो शो है वो शुरू हो चुका है। ये पहले जब परेड में होता था, लेकिन इस बार परेड नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे शुरू किया। तो अब चलिए हम भी इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये गतका का प्रदर्शन है, गतका
बेसिकली निहंगों की फाइट होती है, जो युद्ध में युद्ध नीति कह सकते हैं, जो इसमें काम आती है, जो लड़ाई की तकनीक है, पुरानी तकनीक्स हैं जो उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी राय हमारे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मैं इसी के साथ, गत्ते के साथ छोड़ के जा रहा हूँ आपको। प्लीज़ आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।